Yasuo in the house, baby. And this is Mogambo. And you're welcome to Rewind by Benny Ala. क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, थोड़ा हाथ वाथ तो मिलाएंगे अभी, दो मिनट पहले तो फिर मिलेंगे, क्या होगा? तो क्या होता है कि हम एक ही साथ दो तीन एपिसोड शूट करते हैं, तो जैसे आपने शार्क टैंक देखा ना, उनके कपड़े एक जैसे रहते हैं, तो इसलिए हम लोग के भी एक साथ रहते हैं, क्योंकि क्या है कि आप लोग कमेंट कर नहीं रहे और आप लोग शेयर कर नहीं रहे, सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे, तो व्यूअरशिप आने नहीं, तो पैसा हमारे को आता नहीं, तो हमारे को वही कपड़े जो है जो बजट है इसी में चला रहे हैं, अपनी जेब से आ रहा होगा खर्च के आप। तो अभी क्या करना है आपको, यू नो द ड्रिल, के इस चैनल को बढ़ाएं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा बिल्कुल, और बेल आइकन भी दबानी पड़ेगी, और कमेंट करके तो प्लीज बताओ कि कैसा लग रहा है, ताकि हमें लगे कि यार अगर नहीं चल रहा तो छोड़ो यार, कुछ और काम करते हैं, डीजेइंग करते हैं, समोसे की दुकान खोल लेते हैं, आजकल खूब बिक रहा समोसा, समोसा चाय भी तो चाहिए ना, चाय एक गरम चाय की प्याली हो, कॉफी, तो गाना सुना रहे हो आज कुछ बढ़िया, इक्का का एक गाना मेरे को बड़ा पसंद है, दो टकीला शॉट नहीं, निंद्रा, मुझे लगा आप क्लब वाली बातचीत में पहुंच गए, निंद्रा वाज अ वेरी क्लासी सॉन्ग, मुझे बड़ा अच्छा लगा लिखा हुआ, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड राइटर, या ही इज अ वेरी गुड राइटर, फैंटास्टिक राइटर, वेरी गुड, और आई डोंट नो व्हाई देयर इज, मतलब ही स्टिल, आई फील ही इज अंडररेटेड, एवरीबॉडी नोज हिम, बट एक वो कमर्शियलिज्म अभी तक आया नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो डिजर्विंग उनका स्पॉट है अभी तक, आई डोंट थिंक उनको मिला है, इज अ राइटर, बिकॉज़ मे बी हो सकता है कि वो जो इज रैप स्टाइल नो, इट्स अ लिटिल बिट अंडरग्राउंड, तो कमर्शियलिज्म नहीं आया उसमें, बट निंद्रा वाज अ फैंटास्टिक सॉन्ग, और अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो प्लीज जाके इक्का का निंद्रा गाना जरूर सुनिए, और इक्का जी को फॉलो करें, साथ साथ हमारे को भी फॉलो करें, क्योंकि हमने आपको बोला है फॉलो करने को, ये मेरा, ये मेरा, और ये बेनी आला का, तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों, नया नया गाने मिलते हैं, कंटेंट मिलता है अच्छा सा, और यार थोड़ा प्यार हमको दीजिए, तो एक सेकंड, हाँ गाना चलाते हैं बिना बातें करें, गाने का नाम बताओ पहले मुझे, नीशू, मुझे भाई लगा लड़की का नाम है, जब उसने बोला कि नीशू, तो मैंने कहा नीशू, ओ माय गॉड, और आई थिंक बिना किसी वेट के वीडियो देखते पहले, फिर उसके बाद लेट्स कमेंट, लेट्स कमेंट, है ना, लेट्स गो, यो सलूट बनता है कि नहीं बनता बाद में देखेंगे, देखते हैं, डीजे सु हिट द प्ले बटन, नो यू हिट द प्ले बटन, ओके, एक बार मेरे स्टाइल में तो बोल दो ना यार, मोगैम्बो खुश हो जाओ, लेट्स गो, इक्का हैप्पी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि होने क्या वाला है, वॉचमैन की आज, ओह ओके नाइस, दैट केम आउट ऑफ नोवेयर, फटी खेला पले बड़े पतंग बास चप्पी छपे चढ़े साइकिल पे वेली से करतब करे दुकान पे चोरी के किस्से बड़े बिंदू की सेगा में सोनिक चले स्वैट कैट ओ माय गॉड दिस इज अबाउट कौन मेरे पत्ते बड़े बचपन से जीते ना क्लास नॉस्टैल्जिया शराबी बिताया बारा सबकी नजरों में मैं या पलना कारा ट्यूशन के टीचर को ऑफिस का गुस्सा बर्थडे पे मेरे पत्ते से मारा मैं बचपन से पिस्सा बचपन से गुस्सा भरा ऐसे हालातों में सुना था शेड इंस्पायर्ड हुआ काफी डीप चला गया भाई तो बहुत क्रेजी सो निशु इज हिज निकनेम बाय द वे अच्छा या यू नो अबाउट दिस या नाम मेरा सुन निशु हरि हरि पत्ते पिसु बचपन से ही कुत्ते सा इसकी चोर ओह इंटेंस नाइस इसका तो 50 मेरी दोस्त ने कैसा कपाई पहले थी 50 की तू ओ यू रिमेंबर दिस टाइम भागे थी बड़ी खबर गोलू को फोन में लाया हाफते उसे बताया गोलू इज लिल गोलू गोलू ने आते ही चांटा लगाया और गुस्से में बोला हो जाएगा खाक कर सपनों का घर अभी भी वक्त संभल बैसाखी ना बने कलम ठीक तू कर ले करम और मांगा वचन मैं बचपन से पिसा बचपन से गुस्सा भरा ऐसे हालातों में सुना था शेड इंस्पायर्ड हुआ मैं रैपर बना निशु 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 नाम मेरा सुन निशु हरी हरी पत्ती पिसु बचपन से ही खुद के चीसु निशु 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 नाम मेरा सुन निशु हरी हरी पत्ती पिसु
लिरिक्स आर फायर ब्रो. सोया में तब छप्तादी ने करा दिलाने का वादा. गर्मी की छुट्टी दसवीं की बात था. दिल्ली में जॉब अच्छे से याद. पैसा कमाना था लेना था पीएस में जा रहा था घर. जब आई वो रात लौंडे खड़े थे कुछ टोली में. जनक सी थी उनकी भोली में. उन सब ने घेरा मुझे और पूछा क्या नया क्या हूँ मैं. कलोनी में बातों बातों में मेरी जेब पे हाथ मारा. छीना मोबाइल गाली था वो बके जा रहा. हाथ फेरा उसने ब्लेड उसके हाथ पे कान पे लगा. खुली खाल खून बहे जा रहा बेतहाशा. भाग रहा था मैं सड़क पे. रोक रहा गाड़ियां चोटी में. तड़प में होने लगा धुंधला सब चारों तरफ से. पास से ही मिला दिल्ली नाम की नरक से. मैं बचपन से पिसा बचपन से गुस्सा भरा. ऐसे हालातों में सुना था शेडी इंस्पायर्ड हुआ मैं रैपर बना. Fuck, this is so fire. Nice. I think इसने अपनी real life story rap करी है इसमें. Joyner Lucas inspired kind of track, you know. Dude, I'm numb. So am I. Honestly. This is, I think, बहुत टाइम बाद ऐसा मैंने गाना सुना which has made me numb. एक इससे पहले गाना था जो मैं ऐसी सुन के ना I used to get into it. वो था बोहिमिया का छोड़ दो. Okay. मैंने किसी चीज़ दी लोड मैंने मेरे हाथ तो छोड़ दो. मैं रैप से बहुत रिलेट करता था. मैंने संगीत मेरे प्यो ने सिखाया. मेरी माँ दी गला ने मैंने वो आदमी बनाया. तो ये कुछ ऐसा होता है कि ना आप जब अपनी लाइफ स्टोरी कलम से लिख देते हो ना कागज पे तो आई एम श्योर लोग इसको डिसलाइक करेंगे या जो रिलेट करेगा ना जिसने कभी ऐसी सिचुएशन देखी होगी वो इसे रिलेट करेगा. बार बार सुनेगा. स्पीचलेस होगा. अच्छा मैं भी जमुना पार का यूं लौंडा. अच्छा तो कुछ कुछ चीजें बचपन में मेरे साथ भी हुई हैं. बिकॉज़ आई डोंट नो. आई थिंक यू आर फ्रॉम वेस्ट दिल्ली तो वहां पे भी होता है. हम साउथ दिल्ली वाले अब हो गए हैं तो यहाँ कितना कल्चर नहीं है. बट वहां पर ये बुलिंग और गैंग कल्चर ना बचपन से ही होता था. होता है होता है होता है. दिस यूज्ड टू हैपन व्हेन यू वर इन 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में. हम लोग गैंग अप करते थे. करेक्ट करेक्ट. और ये ब्लेड कल्चर और ये मारना पीटना. करेक्ट. और उसका कोई रीजन नहीं होता था. वो लोगों को तुम्हारी अगर तुम लोग चल रहे हो और तुम्हारे को दो बार वो खटक गया तो वो तुम्हारे को पेल देंगे पीट देंगे. तो ये आई वुड से कि कल्चर है दिल्ली में. उसने बोला ना कि दिल्ली है नरक. मतलब दिल्ली एक नरक शहर. नरक है. बट आई थिंक ही हैज ब्यूटीफुली रिटन हिज लाइफ स्टोरी. हिज पेन आई वुड से दिस इज नॉट अ लाइफ स्टोरी. दिस इज पेन. दिस इज उसने अपना कोई लाइफ स्टोरी अपनी अचीवमेंट या कुछ नहीं लिखा. उसने अपना दर्द लिखा है. करेक्ट. और वो कहां से कैसे बना व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो इफ यू आर अ राइटर. अगर आप में पेन नहीं है तो आई डोंट थिंक दैट यू आर यू कैन राइट. बिकॉज आप अपनी जब कहानी लिखते हो तो अगर वो उसमें दर्द है आपने आप जब खुद उसको एहसास कर रहे हो अपने पेन और रोए हो जब उस टाइम पे आप रोए हो तो आप उसको उतारोगे भी ऐसे. इट इज वेरी ब्यूटीफुली टुक अस बैक फर्स्ट ऑफ ऑल टू दैट एरा. गेम्स दिखाई. वॉकमैन दिखाया. सेगा दिखाया. और उसके बाद उसने बताया रिलेट किया कि हाँ उस टाइम पे याद है ऐसा होता था. आज के डेट में बुलिंग नहीं है. आज के डेट में तो साला लौंडे को थप्पड़ मारो लड़के को वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है. तो वो जिगरा भी नहीं है. ऐसा करना नहीं है. प्लीज वी डोंट सपोर्ट बुलिंग. वी डोंट सपोर्ट बुलिंग एंड वी डोंट सपोर्ट दैट. बट क्या है कि ये उस टाइम पे था और वो कागज में डाल दिया. बट मैं तो काफी रिलेट कर रहा हूं स्टैक से. यार मैं भी कर रहा हूं. तो नाइस. यो सैल्यूट देता है. यो सैल्यूट बॉस बनता है. निशु बाइक का. एंड आई विश कि ये गाना बहुत ऊपर जाए. लोगों को सुनाई दे समझ आए. और अगर लोग इस पे रील ना भी बनाए तो ये गाना लंबा चले. आई फील इन गानों की ना शेल्फ लाइफ होनी चाहिए. हां है ना. वो इंपॉर्टेंट है. रील में ट्रेंड हो गया गाना उससे आपके गाने की सक्सेस स्टोरी डिफाइन नहीं होती है. करेक्ट. दो साल बाद भी अगर हम निशु को सुन के ना और आंख से कासू आ जाए और वी गोस नम द सेम वे तब वो गाना एक्चुअल गाना है. तब वो हां एक्चुअली बट हैट्स ऑफ टू यू. ब्यूटीफुली रिटन. लवली सॉन्ग. मैं तो नम हो गया. कोई नहीं. अमरिंदर गिल ने लिखा है. अच्छा ठीक है ना.
और बिना किसी वेट के मैं आपको गाना सुनाता हूँ, ठीक है? म्यूजिक इज बाय नन अदर देन डॉक्टर ज्यूस। ओ डॉक्टर ज्यूस, कंगना तेरा नहीं, क्या यार, क्या प्रोड्यूसर है यार डॉक्टर ज्यूस, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोड्यूसर्स। कंगना क्या लिखा गया, मित्रा दे बूट, ओए होए, मैं तो डॉक्टर ज्यूस का फुल फैन हूँ। तो सुना दूं गाना, है ना? गाने का नाम है यारियां बाय अमरिंदर गिल, ठीक है? ओके, और आप लोग भी सुनिए, कई लोगों ने हो सकता है सुना हो, इट्स नॉट दैट ओल्ड सॉन्ग, ओके, बट आई फील अ सॉन्ग व्हिच शुड बी बैक, शुड बी ट्रेंडिंग, शुड बी आउट इन पब्लिक। लेट्स गो, तो गाना सुनते हैं, लेट्स गो, हिट दैट प्ले बटन। मेरे जिम में बजता था ये गाना, मुझे अब ध्यान से आ रहा थोड़ा आया। ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਨੀ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਨੀ ये भी कहानी है पंजाबियों की, कहानी बता रहे हैं। लगिया अपना कह के सजना तो ना कदे मुख पर ताइए नी clean production, very clean music production. Yeah. This talks about honesty. Yeah. Punjabi, हम लोग प्यार से बड़े honest होते हैं। Especially you do it proper. If it is gon' hit it, committed to be the topper. Top of the top, best of the best. Yo, be the cream of the cropper. So this rapper's name is Shorty. आपने notice किया होगा DSP? हाँ. और भी गानों में. मैं सोचा था खत्म होने के बाद बताऊंगा इसका. But अब देखो कितनी हाई मतलब बजट म्यूजिक वीडियो नहीं है, स्टिल इट्स कैप्चरिंग यार, इट्स टचिंग है यार। क्योंकि मैंने एक नोटिस किया म्यूजिशियंस हैं और जब ऐसे गाने हम सुनते हैं हम ऑलरेडी रिलेट करते हैं यार, क्या होता है लोग ना, इट्स अ पैकेज, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने लिरिक्स बहुत खूबसूरत लिखे हो लेकिन म्यूजिक बेकार हो, या सिंगर को वो शूट नहीं करता। कई बार क्या होता है, गाने इतने अच्छे होते हैं लेकिन वो आवाज मैच नहीं करती। तो क्या होता है, ये गाने ना पैकेज बन जाते हैं, शेल्फ लाइफ की बात हो रही है ना, आई थिंक हम इन गानों को जिनको डिस्कस करते हैं वो ऐसे गाने जिनकी शेल्फ लाइफ है, तो वो अच्छे होंगे, पैकेज अच्छा है, तभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो शॉर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, हिज कोलैबोरेशन विद डॉक्टर ज्यूस गोज
way back. Definitely. And we have seen him in a lot of videos with Dr. Zeus, and he's a fantastic rapper. Kangana में तो पहली बार सुना था। हाँ, मैंने भी पहली बार Kangana में सुना था। And उसके बाद ना एक ये जैसे ये गाना लिखा हुआ है ना असी गबरू पंजाबी दिल्ली गाना लाइए मैंने देखा ये ना मैं पूरे हिंदुस्तान घुमा हुआ हूँ मैं अलग अलग शहरों में घुमा हुआ लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि पंजाब में जो प्यार है ना जो काफी प्योर है मैंने सुना है वफा एक वर्ड होता है वफा पंजाबी में ना एक गुरबानी में बहुत अच्छा शब्द है जिसका नाम जो है कि बाहें जिन्ना दी पकड़िए सिर दीजिए बाहें ना छोड़िए दैट मींस के जिसका एक बार हाथ पकड़ लो ना तो सर दे दो लेकिन उसकी बाह मत छोड़ो बाह मत छोड़ो ओह वाओ तो पंजाब और स्पेशली आई फील दिस पंजाबी पीपल ना वफादार बहुत होते हैं वेदर इट्स प्यार हो गया ना तो मतलब चला जान दे देंगे यारी है दोस्ती है तो जान दे देंगे मतलब ये मैंने ना मैं पूरा मैं मतलब नो ऑफेंस टू एनीबॉडी बट सब सब बहुत प्यारे लोग हैं सब में बहुत वफा है लेकिन पंजाबियों में ना वो चीज थोड़ी एक्स्ट्रा है और वो बचपन से प्यार लाड प्यार इतना मिलता ना उनकी लस्सी लस्सी मलाई मक्खन तो अगर आपको ये दोनों गाने पसंद आए हो एंड यू हैव आल्सो गॉट इमोशनल लाइक अस सो प्लीज हमारे को कमेंट करके जरूर बताइए एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट तो प्लीज कंजूसी मत करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्या करना होगा हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन घंटी बजी तो गाइस दिस वाज आवर टेक ऑन इकास निशु एंड अमरिंदर गिल्स यारियां सो वी विल सी यू अंडर द नेक्स्ट एपिसोड एंड फॉर दैट Signing off. Let's go. Attack. Bye-bye.